ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 70 साल तक शासन करने के बाद 96 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। ब्रिटेन में महारानी की मृत्यु के बाद एक पूरी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, जिसके बाद ही महारानी का अंतिम संस्कार हो सकता है। आपको बता दें कि महारानी का अंतिम संस्कार उनके निधन के 10 दिन बाद होगा। इससे पहले उनके ताबूत को लंदन से बकिंगम पैलेस से वेस्टमिंस्टर के पैलेस तक निधन के 5 दिन बाद औपचारिक मार्ग से ले जाया जाएगा। यहां महारानी 3 दिनों के लिए राज्य में लेटी रहेंगी। इस दौरान लोग उनके अंतिम दर्शन भी कर सकेंगे और जिस दिन अंतिम संस्कार होगा वह राष्ट्रीय शोक का दिन माना जाएगा, जिसमें पूरे ब्रिटेन में दोपहर में 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा। आपको बता दें कि ब्रिटेन में महारानी की मृत्यु के बाद वहां का प्रधानमंत्री ही पहला बयान जारी करके यह इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि महारानी हमारे बीच नहीं रही। और इतना ही नहीं, महल की वेबसाइट को भी शोक संदेश में बदल दिया जाता है। महारानी की मृत्यु की खबर से पूरे ब्रिटेन में शोक की लहर है। लोग आंसुओं के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा दुख व्यक्त कर रहे हैं। वहीं महारानी की अंतिम संस्कार से पहले उनका उत्तराधिकारी भी चुना जाएगा, हालांकि उत्तराधिकारी का राज्याभिषेक बाद में होगा। महारानी की मृत्यु के बाद किस तरह से पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाना है, इसके लिए ब्रिटेन की सरकार ने योजना बनाकर रखी है।